और यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर चेकिंग के दौरान एक शख्स के पास से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। जब्त किए गए सभी नोट 2,000 और 500 के हैं। पूछताछ में उस शख्स ने बताया, अपना नाम रमेश दास बताया है। साथ ही उसने कहा कि उसे ये रकम दिल्ली के करोल बाग में रहने वाले आशीष अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने दी है और वो इन पैसों को लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। तो यहाँ पर एक बड़ी रकम जो है वो बरामद हुई है। ब्रह्मपुत्रा मेल से एक लड़का उतरा जिसको चेक किया गया, तो चेकिंग के दौरान उसके लिए ट्राली बैग से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए और उसके बैग में जो 1.5 करोड़ रुपए थे उसके संबंध में उसके द्वारा बताया गया कि ये पैसा उसको आशीष अग्रवाल जो दिल्ली करोल बाग के रहने वाले हैं उनके द्वारा दिया गया था और ये पैसा वो हावड़ा ले जाकर के पहुंचाने वाला था। इसमें इनकम टैक्स वालों को सूचना दे दी गई है, वो लोग आ गए हैं, पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इसमें जो कुछ भी निकल के आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।